सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी, जहां पे हम बात करते हैं कॉलेज रिव्यूज की। वैसे तो यू नो हम और भी अलग अलग वीडियोस को बनाते हैं, बट ये थोड़ा सा हटके इसलिए होता है बिकॉज ऑनलाइन आप जितने भी कॉलेजेस के रिव्यूज देख रहे होते हैं वहां पे यू फाइंड एवरीथिंग जस्ट ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन, एंड हियर आई ट्राई टू टेल यू द ग्रीन एंड द रेड, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम दोनों ही बात कर रहे होते हैं। बिकॉज हर वीडियो को बनाने से पहले आई एम 2000% श्योर कि मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ एंड देन कहीं ना कहीं वीडियोज बनाती हूँ। सब चीज बताना ऑब्वियसली वीडियो में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए नीचे एक लिंक भी दिया जाता है जिसको हम प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म कहते हैं, जिसको फिल करके आप स्टूडेंट्स के नंबर ले सकते हैं और रियलिटी जान सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए। पर अभी इस वीडियो में हम एक रियलिटी चेक करने वाले हैं जयपुर या जयपुर का। एंड बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई थिंक आई हैव इंटरेक्टेड विद 3 to 4 स्टूडेंट्स, सो आई ट्राई टू गिव यू माय ओपिनियन दैट आइदर यू शुड टेक इट और नॉट। लेट्स बिगिन। So welcome back to this episode and I'm going to talk about Jaipur या Jaipur। Jaipur या के 4 campuses हैं, लखनऊ, नोएडा, इंदौर एंड जयपुर। सबसे पुराने campuses लखनऊ हैं, followed by नोएडा, then जयपुर, last में इंदौर। पर आई थिंक सेंट्रलाइज्ड, हमने एक नाम सुन रखा होगा कि इनका सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है इनटेक ज्यादा होगा। आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली जयपुर या नोएडा और इंदौर पे वीडियो बनाया था जहां के एवरेज पैकेजेस, बट हर कॉलेज के एवरेज पैकेजेस में मुझे यहाँ फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इस साल मेजरली कॉलेजेस के साथ एक प्रॉब्लम रहा है जो कि बहुत जेन्युइन सा है कि रिसेशन का टाइम चल रहा है। इवन कॉलेजेस जो कि काफी अच्छे हैं, काफी टॉप कॉलेजेस हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ दैट। तो इस कॉलेज का क्या सच है क्या नहीं है वो हम स्टूडेंट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट कॉलेज है, AICTE AIU अप्रूव्ड है, दैट मींस इनका PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। प्रताप नगर जयपुर में कहीं ना कहीं कैंपस है, कैंपस 5 acre का है, बहुत बड़ा नहीं है। उसका रीजन भी है क्योंकि 20 स्कूल है, PGDM के अलावा कोई और कोर्स कराता नहीं है, तो आई मीन बहुत ज्यादा नीड नहीं है, बट 5 acres में स्प्रेड है। AICTE AIU MBA एंड NAAC का ए ग्रेड, मतलब अक्रेडिटेशन में सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप बात करें तो NAAC के अक्रेडिटेशन से क्या होगा, अगर आप बिहार क्रेडिट कार्ड या वेस्ट बंगाल क्रेडिट कार्ड के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो वैसे भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। हर सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स होते हैं, 240 स्टूडेंट का कहीं ना कहीं इनटेक है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें रैंकिंग्स की तो कई सारी रैंकिंग्स में आता है, बट हमेशा मैं ये कहती हूँ रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन मत लें, अदरवाइज आप रिग्रेट करेंगे। बिकॉज मैं आपको गारंटी करती हूँ, आप अपने जो 10 कॉलेजेस आपने डिसाइड कर रखे हैं आप उनकी वेबसाइट पे ओपन करिए, आपको हर कॉलेज भले वो Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 2 कैटेगरी का है कोई ना कोई रैंकिंग में मिल जाएगा। रिसेंटली मैं एक कॉलेज का सेमिनार अटेंड कर रही थी, आई जॉइंड एज अ स्टूडेंट एंड देन द कॉलेज वाज सेइंग कि हम इंडिया टुडे की रैंकिंग में टॉप कॉलेजेस इन बैंगलोर में आते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। आई मीन आई वाज लिटरली फील लाइक लाफिंग, बट अगेन मतलब मैं यही कहना चाहूंगी इसको स्किप करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो जयपुर रेलवे स्टेशन 33 minutes है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 17 minutes, बस टू प्रताप नगर 5 minute वॉक फ्रॉम कॉलेजेस। अब जो इनका मेन कोर्स है दैट इज जनरल, राइट, देन फाइनेंशियल में भी कराता है, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं ये ऑफर करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिकली देख सकते ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कैट, जैट, सीमैट, मैट, यू कैन अप्लाई थ्रू इट। एक एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है, आप उसमें एक ही साथ मल्टीपल कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से आपका पहले प्रेफरेंस नोएडा है या फिर जयपुर है या फिर इंदौर है। आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किस तरीके से होता है, कई बार फिजिकल होता है जहाँ पे दे टेक अ हॉल जहाँ पे पहले स्टूडेंट्स ब्रीफिंग, मतलब एक प्रेजेंटेशन रहती है, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज से आते हैं बताते हैं कॉलेज के बारे में, देन इंटरव्यू प्रोसेस होता है, लेटर ऑन सिलेक्शन होता है। आई मीन लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर कोई कट ऑफ नहीं था, बट लास्ट ईयर एक लौता ऐसा साल था जहाँ मैंने देखा कि कट ऑफ एंड में आते आते हो गया कि उन्होंने बोला मिनिमम 50% चाहिए, लेट्स से इन सीमैट
या फिर मिनिमम 50% चाहिए इन मैट। तो ऐसा लास्ट ईयर रहा था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो अब ये मान सकते हैं कि 50% कहीं ना कहीं आपको रिक्वायर्ड रहेंगे आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 दी है, बट ऐसा लास्ट डेट नहीं होती, थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन चलते हैं। बस ये होता है कि कई बार जैसे लास्ट ईयर सीमैट के रिजल्ट के बाद सीट्स नहीं बची थी टू मेजरली ऑल दी कैंपसेस ऑफ जयपुर, या भले 4 कैंपसेस हैं, तो ये डिपेंड करता है, ईयर टू ईयर वेरी करता है कि कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इनकी इंटरव्यूज के साथ एक चीज ये है कि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के इंटरव्यूज देखे हैं जहां पे दे बेसिकली जज ऑन कम्युनिकेशन, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन, बट जयपुरिया डोंट जज ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन। मैंने इंदौर वाले स्टूडेंट, बिकॉज वन ऑफ माई यू नो एक्स एम्प्लॉय एनरोल टू इंदौर कैंपस, शी गेव हर इंटरव्यू एट ऑफिस ओनली, तो दे वर इवन कम्युनिकेटिंग इन हिंदी। तो ये भी एक मुझे लगता है अच्छी चीज़ भी है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, स्पेशली क्योंकि उनके कम्युनिकेशन वीक होते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग, एंड फॉलोड बाई इंटरव्यू, एंड देन लेटर ऑन परसेंटाइल। कैट दैट सी मैट 45, GD 15, PI 20, वर्क एक्सपीरियंस 5 एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस 15, ये वेटेज है। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो मैं जो स्टूडेंट से बात कर रही थी, ही मेंशन कि 11.5 तो सिर्फ फीस है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ा है उस स्टूडेंट को, एंड हर बैच के साथ अलग अलग प्लेसमेंट सॉरी फी स्ट्रक्चर और हॉस्टल का पड़ता है। स्टूडेंट ने एक नेगेटिव पॉइंट ये बोला कि जो क्योंकि साल रिसेशन है, हर कॉलेज फीस बढ़ाता है, और काफ़ी थोड़ी बहुत नहीं, इट्स नॉट 10,000-20,000 का इंक्रीमेंट, इट्स लाइक 1 लाख-1.5 लाख, और उसके अकॉर्डिंगली पैकेजेस में वेरिएशन नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जो है वो मैंने मेजरली कई सारे कॉलेजेस में देखा है कि लेट्स इफ यू आर इंक्रीजिंग फीस, यू ऑल्सो नीड टू इंक्रीज द एवरेज पैकेज ऑफ द कॉलेज, दैट इज समथिंग विच इज देयर। तो यहाँ पे देव मेंशन कि अगर आप पीजीडीएम जनरल के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर 6,55,000, 6,45,000 सेकेंड ईयर, दैट मीन्स 12 near about 13 lakh का। तो जिस स्टूडेंट को 11.5 lakh की फीस पड़ी थी, अब उसको 12 and 13 lakh का फीस स्ट्रक्चर पड़ रहा है, मतलब 16-17 lakh का इन्वेस्टमेंट है अगर आप 2 साल का देखोगे, राइट? तो आप सोचो 11.5 से सीधा 13 lakh का फीस स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें सर्विस मैनेजमेंट में, तो 6 lakh का फीस है, देन 5,95,000, इट्स लाइक 12 lakh का नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट है। देन उसके बाद हॉस्टल फीस अलग है जिसके लिए आपको पे करना है, सिंगल ऑक्यूपेंसी अगर आप एसी रूम 1,70,000, डबल ऑक्यूपेंसी एसी रूम 1,05,000, राइट? एंड अकॉर्डिंगली आपको पे करना है। फीस स्ट्रक्चर अगर मैं ऑलरेडी आई थिंक बात कर चुकी हूँ, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, बट इनकी स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया इज बेसिकली अगर आपका कैट में या दैट में या सी मैट में या मैट में परसेंटाइल है, और ये स्कॉलरशिप भी फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलती है। लास्ट ईयर कई सारे 95% वाले स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया कि मुझे एंड में स्कॉलरशिप मिलेगी, बट नहीं मिली क्योंकि उस टाइम तक स्कॉलरशिप की सीट्स फिल हो चुकी थी। तो देखो आप देख सकते हो 1 lakh की स्कॉलरशिप है अगर आपका मैट में 95 है, सी मैट में 90 है, 1.5 lakh की अगर आपका कैट में 60 है, राइट? 2,50,000 का कैट में अगर आपका 70 है, और ऐसे ही सर्विस मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप है। कट ऑफ ये दिया है, बट एज सच कट ऑफ नहीं है, मिनिमम 50 समथिंग व्हाट दे लुक फॉर स्कॉलरशिप के लिए। यू नो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है अच्छी, देन इन दैट केस आपके पास एक ROI का कहीं ना कहीं ऑप्शन रहता है। फैकल्टीज एज पर स्टूडेंट अच्छी है, राइट? कैंपस थोड़ा छोटा है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारे हैं, क्लब्स हैं, सारे एक्टिव हैं, राइट? एंड आई मीन यस, स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन द कैंपस, दे हैव दीज एक्टिविटीज, बहुत ज़्यादा काम करते हैं टू इन्हांस पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉलेज की अच्छी है। अब प्लेसमेंट्स में कॉलेज एवरेज क्लेम कर रहा है ये टॉप 10% का है, 12,34,000 हो सकता है। कॉलेज स्टूडेंट्स का कहना है कंपनी हर तरह की आती है, अच्छी कंपनीज भी आती हैं, एंड एवरेज मीडियोकर लेवल हर स्टूडेंट के लिए कंपनीज, अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैप कर पाओ तो दैट्स टोटली ऑन यू। कई सारी कंपनीज के लिए स्टूडेंट हैव दिस ऑप्शन कि उनको नोएडा जाना रहता है, जिसके लिए पूरा सब कुछ स्पॉन्सर कॉलेज करता है। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो ऑनलाइन प्लेसमेंट रहती हैं, मार्केटिंग कंसल्टिंग प्रोफाइल्स हैं कंपनीज में, यू नो एक्सिस बैंक थी, एज पर स्टूडेंट फिनकेयर इज समथिंग विच मेंशन, HDFC इज मेंशन, बट एज पर स्टूडेंट जो एवरेज पैकेज है इस साल का जो रिसेशन वाला पीरियड है 7.5-8 lakh के नियर अबाउट है, बट अगर आप इनकी वेबसाइट पे चेक करोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्लेम कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द एवरेज पैकेज, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है। सेकेंडली जो नेगेटिव पॉइंट स्टूडेंट मेंशन इज कि जितना फीस इंक्रीज कर रहे हैं उसके हिसाब से फॉर द जयपुर कैंपस ROI इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी,
कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है. देयर दे हैव मेंशन हाईएस्ट टॉप 10 टॉप 50% एवरेज 9.34 लाख, टॉप 20% का 11 लाख, एंड हाईएस्ट दे हैव मेंशन बट दे हैवंट मेंशन द एवरेज पैकेज व्हिच इज 7.58 लाख. ओवरऑल एज पर स्टूडेंट कॉलेज अच्छा है देख सकते हो, पर जिस तरीके से फीस बढ़ रही है वहां पे थोड़ा सा आरओआई का इशू रहेगा. अगर आप जयपुर या देख रहे हैं स्पेसिफिकली, यू वांटेड टू अप्लाई फॉर सो मेनी कॉलेजेस, कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशंस के कूपन्स भी यू कैन रीच आउट टू द लिंक व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो अगर आप जयपुर या जयपुर देख रहे हैं तो उस केस में आप ये देखो कि चारों कैंपसेस में से कहाँ पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट पड़ रहा है. कोशिश करो कि आप अगर आप 70% हो जितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है तो कि आप ताकि आपको आरओआई मिल सके. बाकी फैकल्टीज करिकुलम ओवरऑल ठीक है, कॉलेज का अच्छा है, थोड़ा सा आर ओ आई के टर्म्स में इशू है, एवरेज पैकेज एंड फीस के टर्म्स में इशू है. रेस्ट यू नो दीज आर दी रोल्स व्हाट कम कॉलेज मैनेजर, सप्लाई चेन कंसल्टिंग, प्रोक्योरमेंट एडवाइजरी, सर्विस ऑपरेशन एनालिस्ट, प्रोडक्ट कंसल्टिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स. तो आपको हर तरह की प्रोफाइल्स मिलेंगी, सेल्स कंपनी में मिलेगी, कंसल्टिंग की भी मिलेगी, कोर रोल्स भी मिलेंगे. एंड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 2022 में एवरेज दे आर मैंशनिंग 11 point, इतना नहीं है. इट्स जयपुर कैंपस का इट्स नियर अबाउट 7.58 लाख एज पर स्टूडेंट्स. सो वेरिएशन है. और मैं यही कहती हूँ कि आप जब कॉलेज देख रहे होते हो, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो या फिर एन नंबर ऑफ जो वेबसाइट्स पे जाते हो जहाँ पे वो रिव्यूज डालते हैं, वहाँ पे वही सेम एवरेज पैकेज दिया रहता है जो कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन है, जिसके बेसिस पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाते हो. तो जो दिखता है वो वैसा हो ये जरूरी नहीं है. टीयर टू कैटेगरी, टीयर थ्री कैटेगरीज में दे आर कॉलेजेस विच आर लिटरली डूइंग गुड. एंड जयपुरिया इज ऑल्सो, आई मीन पढ़ाई वाइज आई हैव सीन की दे रियली वर्क हार्ड टू अपलिफ्ट स्टूडेंट की पर्सनैलिटी. अपॉर्चुनिटीज आर देयर बट एंड ऑफ द डे आर ओ आई विथ टाइम, क्योंकि आई मीन बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले पास आउट है, उन्होंने बहुत कम फीस पे की थी, तो उनके टाइम पे अगर 7-8 लाख का एवरेज पैकेज था तो बहुत अच्छा था. पर अगर आप 15-16 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी एक्सपेक्टिंग 9-10 लाख का एवरेज पैकेज. तो दैट इज समथिंग विच इज देयर. बाकी ओवरऑल इन अ ब्रैकेट ठीक ऑप्शन है, आप ले सकते हैं. मेरा ये कहना है कि अगर आप जयपुरिया देख रहे हैं तो आप दूसरे कैंपसेस इसके थोड़े से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू जयपुर कैंपस. दिस इज व्हाट आई फील लाइक. रेस्ट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी. एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.